आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बेटा तू ऐसे कैसे कर सकती है, अपनी अक्का की जिंदगी खराब मत कर बेटा। तू अपने परिया पर का वापस प्लीज मान जा बेटा। अरे हम भी तो उसे बड़ी भान ले। मैं आप लोग की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग ये तमाशा खड़ा करेंगे तो मुझे आप लोग को बाहर निकालना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। प्लीज मेकअप अम्मा पापा, अब आप किसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं? ये वो मेका नहीं है जिसे हम लोग जानते हैं, ये तो कोई और ही औरत है। इसे किसी के इमोशंस, उनके पेन से कोई लेना देना नहीं है। आप चलिए यहाँ से। अम्मा चलिए, अम्मा चलिए। भाई ऐसा मत करो। अरे पर कन्यादान तो करते जाइए। जब रिश्ता ही नहीं रहा तो कन्यादान किस बात का। मुझे बहुत टेंशन हो रही है शिमा की, प्लीज प्लीज उन्हें ढूंढो, प्लीज कुछ करो। एक सेकंड, और इसमें भी शुरू हो गई है, जल्द से जल्द कुछ करना होगा। किसी भी तरह इशिता को ढूंढना होगा। यू हैव टू गेट गोइंग। कहाँ होंगे ये शिमा? क्यों हो गया पुत्र? मुझे पर ध्यान देना, क्यों सोच रहा है? ओए तू चिंता ना कर, सिमी गई है ना मेहका को लेने के लिए, आ जाएगी, खुशी का दिन है, खुशी खुशी पूजा पे ध्यान दे मेरा बच्चा। मेहका तू क्यों दिल खराब कर रही है, वो तो पागल मद्रासन है, तू प्लीज लोड मत ले, आज तो स्पेशल डे है ना तेरा। और सुन पंडित जी ना अभी थोड़ी देर में बुलाएंगे तो मैं तुझे लेने आ जाऊंगी, तू फटाफट रेडी हो जा बस। अच्छा सिमी, मेरी ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या बोल? मैं चाहती हूँ कि रमन मुझे ये ताली पहनाए। पर ये क्या है? जब मेरी रोमी से शादी हुई थी तो सारे पंजाबी कस्टम्स के हिसाब से ही हुई थी, तो रोमी मुझे पहना नहीं सका। रमन के साथ भी शादी आई नो पंजाबी ट्रेडिशंस के साथ ही हो रही है, पर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सिंदूर की जगह ये ताली पहनाए, नहीं तो मेरे लिए ना ये शादी अधूरी रह जाएगी। सीरियसली इफ पॉसिबल प्लीज। बस इतनी सी बात? नहीं का रमन भाई है ना, वो सारे ट्रेडिशंस और सारे कस्टम्स मानते हैं, सो यू डोंट वरी, ये मुझे दे दे, मैं पंडित जी को देती हूँ और सब ठीक हो जाएगा। जैसा तू चाहती है ना वैसा ही होगा। थैंक यू, जल्दी रेडी हो। मेरी बच्ची ईशु, बेटा कहाँ चली गई, वो कहाँ है वो? अप्पा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अम्मा गई है ना मेहका से बात करने के लिए, हो सकता है मेहका हम लोगों की कुछ मदद करते। अरे मिल जाएगी ईशु अप्पा। मैंने माना कि रमन को कुछ याद नहीं है, पर वो मेहका, उसे तो सब पता है ना, वो ऐसा क्यों कर रही है मेरी ईशु के साथ, वो उसकी मदद क्यों नहीं करती है? अम्मा बेटा प्लीज। अप्पा मेहका हमारी कोई मदद नहीं करेगी। अब मैं काम करता हूँ, मैं आदी रूही से जाकर बात करता हूँ, वो लोग जरूर इशू को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। सुनो किसी को कोई भी हिंट मिले ना तो सबसे पहले एक दूसरे को इन्फॉर्म करना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अशोक अंकल को फोन करती हूँ, वो इस प्रॉब्लम में अम्मा की हेल्प जरूर करेंगे और उनके पास डेफिनेटली कोई ना कोई क्लू तो होगा। ठीक है, लेट्स गेट गोइंग, टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ ठीक है चलो। मामा इशिमा कहाँ है, वो डेंजर में है क्या? बेटा इशिता बिल्कुल ठीक है, वो बस आती होगी, वो मैंने इसलिए झूठ कहा था क्योंकि हम सब इस शादी को रोकना चाहते हैं ना, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी इशिमा बिल्कुल ठीक है। तुम लोग जाओ ना देखो इशिता को। मैं भी जाऊँ क्या? बेटा अगर तुम जाओगी तो सिमी बुआ और दादी नाराज हो जाएंगी, तुम यहीं रुको, हम इशिमा को लेकर आते हैं। हाँ किरण इसे शीतिजा के पास ले जाओ ना, जाओ बेटा चलो। मामा इशिमा ठीक है ना, वो आ जाएंगी ना? सॉरी पीहू,
मुझे तुमसे झूठ कहना पड़ा। मैं ऐसे कैसे बताऊं कि हमें भी नहीं पता कि इशिता कहाँ है। मुझे शादी रोकनी है, प्लीज 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 मुझे शादी रोकनी है, वो प्लीज मुझे रमन की शादी रोकने दो, इस मुझे बंद मत करो प्लीज। इसलिए तुझे यहाँ लाके रखा है, रख तो शादी में जाके गड़बड़ ना कर। देख तेरी वजह से मैं बहुत परेशानी में फंस चुका हूँ, पर हमने मुझे एक चांस दिया है और मैं वो चांस खोना नहीं चाहता। चुप कर और अंदर जाओ। इशिता, बाहर निकाल दो प्लीज, कोई बचाओ मुझे प्लीज, मुझे शादी रोक दी कैसे नहीं सकती है। हट भाई, हटो 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 हटो। अरे भैया आप लोग खड़े क्यों, साहब ने बोला ढोल बजाओ, शादी का माहौल है, जोर से। सर चाहिए तुम जाओ और उस पर नजर रखना। इशिमा, 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 तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? सर वो सॉरी मैं। शट अप! देख मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अब से जब भी शिता का फोन आए तुरंत मुझे उठाओ, अब उसका फोन नहीं लग रहा, जा। शिता कम ऑन आंसर द फोन। कहां गई अम्मा? वधु को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। हाँ पंडित जी, वो मेरी कुड़ी गई उसे बुलाने, अभी आती होगी। हेलो आलिया। हेलो अशोक अंकल, आपको पता है अम्मा कहाँ है? वो कब से मिसिंग है। क्या वो बल्ला उसमें कैद थी और वहां से भाग गई है? अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कहाँ चले गए, वो उनका फोन तक नहीं मिल रहा है। डोंट वरी आलिया, डोंट वरी, मैं पता लगाता हूँ। वैसे वो आई थिंक वो मनी लेंडर के घर गई होगी, मेरा आदमी तैनात है वहां पे, सो डोंट वरी, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, कुछ नहीं होगा शिता को। साहब ने बोला है बजाने के लिए। अरे थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मैं बोल दूंगा आपको बजाने के लिए, तब बजाइएगा, अभी रुक जाइए। पीहू नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है। इशिमा अब तक नहीं आई। आ जाएंगे बेटा, तुम परेशान मत हो। क्या हुआ, कुछ पता चला? क्या हुआ इशिता का कुछ पता चला? नहीं शगुन मामा, मुझे तो कहीं नहीं मिली इशिमा। भाई आपने हर जगह देखा ना? कहीं नहीं है, देख ले। पंडित जी ने दुल्हन को बुलाया है रस्में शुरू करने के लिए।
अम्मा मीका, बेटा तू ऐसे कैसे कर सकती है? अपनी अक्का की जिंदगी खराब मत कर बेटा, तुझे अपने परिया पर वापस प्लीज मान जा बेटा। अरे मैं आप लोग की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग ये तमाशा खड़ा करेंगे तो मुझे आप लोग को बाहर निकालना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। प्लीज मीका, अम्मा पापा आप किसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं? ये वो मीका नहीं है जिसे हम लोग जानते हैं, ये तो कोई और ही औरत है। इसे किसी के इमोशंस, उनके पेन से कोई लेना देना नहीं है। आप चलिए यहाँ से। अम्मा चलिए, अम्मा चलिए। भाई भाई सब मत करो। अरे पर कन्यादान तो करते जाइए। जब रिश्ता ही नहीं रहा तो कन्यादान किस बात का? जान दे सिमी, अगर ये लोग कन्यादान नहीं करना चाहते तो ना सही, मीका का कन्यादान मैं करूंगा। ठीक है बापा जी, पंडित जी मंत्र शुरू करिए, आजा मीका। रोते नहीं, मेरे पापा की शादी हो रही है, मैं कैसे नहीं रो? इजिमा कहाँ है? तो कुछ हुआ तो नहीं ना? पहले पापा जो कुछ भी हो रहा है उससे बुरा क्या हो सकता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। आदि कुछ पता चला इशू को? कुछ पता नहीं चला, हमने हर जगह देख लिया, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है, कब से ट्राई किए जा रहे हैं। ये सारी गलती मेरी है, सब मेरी वजह से हो रहा है। उसने बस तुम्हें यूज किया, प्लीज रोना बंद करो। मैं कह रही हूँ ना, सब मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज रोना बंद करो। नमामि विघ्नेश स्वरपाद पंकजम वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन महागणाधिपतये नमः। वरवधु अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। वधू का गठबंधन कीजिए। जी वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा
अब वर वधु की मांग में सिंदूर भरें। पंडित जी ये ताली है, एक्चुअली साउथ इंडियन ट्रेडिशन है, तो हम सिंदूर की जगह ताली पहनाने की विधि करेंगे। विवाह संपन्न हुआ। थैंक यू माता रानी, तेरा बहुत बहुत थैंक यू। आज से आप दोनों एक दूसरे के पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए। अब आप जाइए और बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सब खत्म हो गया विश्वा, अब कुछ नहीं कर सके अपने यीशु के लिए। कहाँ है ईशिता? मैं जस्ट होप कि वो ठीक होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, हुण जाके मेरे रमन की लाइफ ब्यूटीफुल हुई है। थैंक यू माता रानी। टू एंजॉय मोर सच अमेजिंग वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।